हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं मूंग दाल पायसम, जिसे हिंदी में खीर भी कहा जाता है। ये मूंग दाल के साथ बनता है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है, साथ में इसके कई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे टेस्टी पायसम के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पर मूँग दाल एक कटोरी, गुड़ एक कटोरी, दूध एक कप है, दो स्पून घी है, कुछ किशमिश है, कुछ काजू है, सूखा नारियल, इलायची, ड्राई फ्रूट यहाँ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन रख के इसमें मूंग दाल को मैं सूखा भून रही हूँ। तब तक भूनूंगी जब तक इसमें से खुशबू नहीं आएगा या ये हल्का सुनहरा नहीं होगा। दाल भून गया है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ एक बर्तन में। इसको अच्छे से मैं धो लूंगी। धो के इसे आप 15 मिनट तक भिगो के रखिए या अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट भी पका सकते हो। अब मैंने इसे डाला है प्रेशर कुकर में, मैं डायरेक्ट पका रही हूँ, मैंने भिगाया नहीं है। अब एक कटोरी दाल है, उसमें मैं डाल रही हूँ 4 कटोरी पानी। 4 कटोरी पानी डाल के मैं इसे प्रेशर कुक करूँगी 2 विजल आधे तक। जब तक ये पकता है हम लोग गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। 1 कटोरी गुड़ है तो मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल के इसे गुड़ को सिर्फ मेल्ट करूँगी, हमें चाशनी नहीं बनाना है। मैंने इसे गैस पे रख गया, हमारा गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया। अब हम देखते दाल भी काफ़ी अच्छे से पक गया है, मैंने सिर्फ 2 विजल रखा है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, दाल को बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रहो तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने रखा है सेम बर्तन जिसमें हमने दाल भुना था, उसमें मैंने डाला है पका हुआ दाल डाल के अब मैं इसमें गुड़ को छान के डालूंगी, क्योंकि गुड़ में कभी कभी इम्प्योरिटी रहती है, अगर नहीं छानने से वो खीर में आएगी। अब मैंने गुड़ को छान लिया है, छान के मैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाऊंगी ताकि गुड़ और दाल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करना है अराउंड 2-3 मिनट तक के। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं गैस पे दूसरे साइड एक और तड़का पैन रखी हूँ जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करूँगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 स्पून घी। 2 स्पून घी डाल के मैं इसमें ड्राई फ्रूट को फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं काजू को फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करूँगी। ये पायसम स्पेशली नवरात्रि, गणेश चतुर्थी या किसी फेस्टिवल में बनाया जाता है एज अ प्रसाद, पर इसे गर्मी में भी बनाते हैं क्योंकि मूँग दाल में बॉडी को नॉर्मल, मतलब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करने की क्वालिटी होती है। इस वजह से दाल बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और इसमें हम लोग शक्कर की बजाय डाल रहे हैं गुड़ और घी में भून रहे ड्राई फ्रूट्स को, जिसकी वजह से टेस्ट तो है ही, साथ में खुशबू भी बहुत बढ़िया है। अब हमारे पूरे ड्राई फ्रूट फ्राई हो गए हैं, मैं इनको निकाल ले रही हूँ। अब हमारा खीर मतलब पायसम भी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। इस दूध को मैंने पहले अच्छे से बॉईल कर लिया था। दूध डालते समय गैस का फ्लेम ऑफ होना चाहिए। यहाँ पे मैं गाय का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो नारियल का दूध, कोकोनट मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बड़े कप से आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाला है। अगर आप छोटा वाला कप इस्तेमाल करोगे तो 1.5 कप दूध डालना। कंसिस्टेंसी यहाँ पे परफेक्ट है, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा भी नहीं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अभी मैंने इसमें डाला है ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कूटी हुई इलायची। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हमारा दाल 1 कटोरी था जिसमें मैंने इस्तेमाल किया है 5 कटोरी पानी और बड़े कप से आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध। अब खीर बन गया है, मैं इसको कर रही हूँ सर्व। ये गर्म है, इससे थोड़ा सा पतला है, बट ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इसे अब मैं गार्निश करूंगी ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये पायसम आप चाहे ऐसे बना के खाओ या एज अ प्रसाद बना के खाओ, बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।